नमस्कार, आप सभी को माय नेम इस बुक इस एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास फोर के रिमझिम हिंदी पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 किरमिच की गेंद इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को आप लोग समझ लीजिए और अपने अपने उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको परीक्षा में भी सुविधा हो। बच्चे लोग, किरमिच की गेंद से तो आप लोग भी खेलते हैं, आप लोग भी प्रश्न अभ्यास में भाग लीजिए। शुरू करेंगे कहानी की बात। पहला प्रश्न, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? उत्तर, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। दूसरा प्रश्न, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर, मैंने इस मशीन को अपने दोस्तों के घर और दर्जी के दुकानों पर देखा है। नंबर खा, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? उत्तर, दिनेश गेंद खोज रहा था। दूसरा प्रश्न, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? उत्तर, दिनेश को उस चीज़ यानी गेंद की आवाज़ से पता चला कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। नंबर का, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चला कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? उत्तर है, दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, लेकिन दिनेश को जो गेंद मिली वह गेंद एकदम नई चमचमाती थी। इससे दिनेश को पता चला कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। बच्चे लोग आगे लिखिए, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? उत्तर है, दीपक बार बार गेंद को अपनी बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था। फिर गेंद किसकी, उसका पहला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? उत्तर, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए निम्नलिखित बातें बताई। नंबर 1, दीपक ने बताया कि उसका गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दूसरी, मेरी गेंद पर लाल रंग का निशान था। तीसरे, यह वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। चौथी, उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज़ भी आती थी। क्वेश्चन नंबर खा, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किससे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? उत्तर, मैं गेंद दिनेश को ही देती क्योंकि दिनेश ने गेंद के बारे में सब कुछ सच सच बताया और दीपक गेंद को हथियाने यानी लेने के लिए झूठ बोल रहा था। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। उत्तर है, स्कूटर वाले ने गेंद अपने बच्चों को दिया होगा और बच्चों ने खूब मस्ती के साथ खेला होगा। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 18 पहचान में आइए। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? लिखो। नंबर 1, मैं कलर यानी रंग बताएंगे। नंबर 2, साइज यानी छोटा बड़ा बताएंगे। फिर ऑल न्यू यानी नया पुराना बताएंगे। फिर कहाँ, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा, बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? बहुत मज़ेदार है, देखिए बेल में लगने वाले लौकी, बीन, तोरी, सीताफल और भी ढेर सारे हैं। आप लोग अपना से भी लिख सकते हैं, पौधा बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर। पेज नंबर 19, तरह तरह की गेंदे।
गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्रिकेट किरमिच, फुटबॉल चमड़ा, हॉकी रबर, टेनिस रबर, वॉलीबॉल रबर। खोजो आसपास। दिनेश चिप छरकाकर बरामदे की ओर भागा। का चिप पर्दे का काम करती है, पर चिप और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। इसको हमने कॉपी में लिख के रखा है। टहनी पैर का मुख्य भाग या बॉडी। तना पैर की डाली ब्रांचेस जो है। पैर और पौधा में अंतर देखिए। पैर यानी वृक्ष ट्री। पौधा पौधा छोटा और कोमल इंग्लिश में प्लांट बोलते हैं। घूस और चूहा में अंतर। घूस का मतलब चूहे, बड़ा चूहे की तरह है, इसको माउस बोलते हैं। चूहा चूहा रेट बोलते हैं जो घर में रहता है। मुंदेर और चार दीवारी। मुंदेर का मतलब छत के दीवार के ऊपरी भाग। एप्स बोलते हैं इंग्लिश में। चार दीवारी का मतलब घर के चारों ओर बनी हुई दीवारी दीवार। आगे खा में आइए। चिक सरकंदे से भी बनी है और तिलिया से भी। सरकंदे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। सरकंदे से टोकरी सूप चटाई मूरा ये सब बन। क्लब बनाइए बच्चे लोग। इसको आप लोग आपस में डिस्कशन करके लिख के हमें भेजिए। अभी एक दो तीन। दिनेश ने तीन मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में तीन मंजिलें हो उसे तीन मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में दो मंजिल हो दुई मंजिला मकान। जिस स्कूटर में दो पहिए हो दुपहिया स्कूटर। जिस झंडे में तीन रंग हो तिरंगा। जिस जगह पर चार राहें मिलती हो चौराहा। जिस स्कूटर में तीन पहिए हो तिपहिया आजकल ऑटो भी बोलते हैं। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। सीताफल कांदा बटाटा अमरूद तोरी सीताफल। शरीफा काशीफल बैंगन नेनुआ तरबूज कुमरा घिया। बताओ कि तुम्हारे घर शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? ये प्रश्न बच्चे लोग अपना अपना लिखेंगे। दूसरा बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। हमने इन सब्जियों का इस प्रकार से पता लगाया है। सीताफल अमरूद तोरी शरीफा बैंगन तरबूज घिया दिल्ली में। कांडा गुजरात मुंबई में। काशीफल उत्तर प्रदेश में। पटाटा गुजरात मुंबई में। कुम्हरा उत्तर प्रदेश और बिहार में। नेनुआ बिहार में। तो बच्चे लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम दूसरा लेसन के साथ बहुत जल्द आएंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू।